स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं मां की महाआरती, 1101 महिलाएं और ये भव्य और अद्भुत तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत की टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे दो सहयोगी अविनाश और पुनीता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थालियां सज चुकी हैं, दिए जल चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद माँ की महाआरती की जाएगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम अपना रुख करेंगे अविनाश की तरफ। अविनाश, जिस तरह से आरती की शुरुआत हो गई है, नजारा जो आप तस्वीरें पेश कर रहे हैं, आरती की शुरुआत हो गई है और भव्य तस्वीरें अविनाश, और ये इस वक्त देखिए, इस वक्त आरती शुरू हो गई है और इस शुरुआत अगर आप देखें सभी के हाथ में इस वक्त और ये आरती इस वक्त आप देखे हैं शाही की शुरुआत हो चुकी है और माँ काली की मूर्ति यहाँ सामने है और आपको आरती बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो आरती कर रही हैं। रीमा वर्मा जो इस वक्त आरती सबसे आगे आरती का हैं कि किस तरह से आरती शुरुआत हो चुकी है। Thank you.
सभी माताओं से निवेदन है। तो महाआरती की भव्य और अद्भुत तस्वीरें आपने एक्सक्लूसिव देखी न्यूज 11 भारत पर। हमारे दो सहयोगी अविनाश पुनीता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बताएं कि 1101 महिलाएं इस महाआरती में शामिल हुई हैं और हर साल कोई थीम बेस्ड रहता है। साल 370 और 35 ए के थीम पर महाआरती रखी गई है। इसकी शुरुआत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ शुरुआत की गई थी और साल दर साल महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई और आज 1101 महिलाएं इस महाआरती में शामिल हुई हैं। हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, जिस तरह से जो भव्य और अद्भुत तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, वो साफ देखने को मिला है? शरीफ, यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का जो नज़ारा था यहाँ पे साफ नजर आया। 1101 महिलाओं ने जो है यहाँ माँ काली की आरती की और ये नज़ारा जो बिल्कुल जो यहाँ का माहौल था पूरा भक्तिमय माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हम स्वर्ग में है। इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर था। हर कोई जो यहाँ पे था वो माँ आरती की भक्ति में लीन नजर आया। और अब जो है आरती खत्म हो चुकी है और सारी महिलाएं जो हैं वो अब अपने घर की ओर जा रही है और माँ काली की जो आरती का समापन जो है हो चुका है और इसी के साथ जो है काली पूजा का भी समापन आज हो चुका है। तो महाआरती का जो नजारा हमने आपको दिखाया अपनी कैमरे के जरिए वो भव्य और बेहद ही भक्तिमय नजारा था। जी शरीफ, जाहिर तौर पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पुनीता, हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अविनाश, जिस तरह से व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कितने तरीके से इंतजाम किए गए थे? 1101 महिलाएं तो इस महाआरती में शिरकत की, साथ ही साथ इस महाआरती को देखने के लिए हजारों लोग भी उमड़े, हजारों श्रद्धालु भी उमड़े, मगर कुव्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिली। नहीं देखिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के जो आयोजन समिति के लोग हैं वो पूरी तरह से हर बार तैयारी करते हैं और बेहतर तैयारी के साथ ये पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता होता है कि कैसे आना है, कैसे कतारबद्ध होना है, कतारबद्ध होकर जब आरती शुरू होगी तो क्या कुछ करना है। माँ का ध्यान करते हुए लोग, जितनी महिलाएं आती हैं वो आरती करती हैं और आरती समाप्त हो जाने के बाद अगर आप कहें तो धीरे धीरे फिर से जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस स्कूल के प्रांगण से इस आरती की शुरुआत होती है वहाँ जो तैयारियों की शुरुआत होती है, फिर इस पूरे आरती के बाद महिलाएं वहीं जाती हैं और वहाँ के बाद सभी महिलाएं अपने अपने घर की तरफ अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ती हैं। तो ये एक पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से कहें इस कार्यक्रम का आयोजन, इस महाआरती का आयोजन हर बार होता है और इस बार भी जिस तरह से महाआरती का आयोजन हुआ और महिलाएं 1101 के करीब में शामिल, अद्भुत दृश्य अगर हम कहें कहीं से गलत नहीं होगा। ये दृश्य हर बार रांची वासियों को इंतजार होता है, इस महाआरती का महिलाओं को इंतजार होता है, इस महाआरती में शामिल होने का, उन तमाम महिलाओं के लिए अलग से जो आप देखें जो शादी की व्यवस्था की जाती है उस वेशभूषा में वो यहाँ पहुँचती है पूरी तैयारी के साथ, एक अलग सा आकर्षण आपको देखने को मिलता है और इस बार ये आकर्षण अधिक रहा और आयोजन समिति ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। अब थोड़ी देर के बाद अगर हम कहें जो आप देख रहे हैं इस वक्त भी सड़कों पर कोई बात नहीं चल रही है, अब से कुछ देर के बाद ये दोनों रास्ते खोल दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर अविनाश, एक अलग सा नजारा देखने को मिला है और राजधानी रांची वासी जो है उनका भी सहयोग मिलता है। जिस तरह से ट्रैफिक को इतने देर तक रोका जाता है, कहीं से भी व्यवस्था में खलल ना पड़े इसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयार रहती, समिति के लोग मुकम्मल इंतजाम करते, साथ ही साथ राजधानी वासी भी जो है उस इंतजाम में खलल नहीं डालते हैं। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगियों का, अविनाश और पुनीता, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी अद्भुत तस्वीरें न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक पहुंचाई। तो राजधानी से मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। सच है तो दिखे।